चलिए सर क्वेश्चन <laughs> पढ़ते हैं एक कंपनी है द फाइनेंशियल मैनेजर हैज मेड द फॉलोइंग सेल्स फोरकास्टिंग फर्स्ट फाइव मंथ ऑफ कमिंग कुछ सेल्स वगैरह बताया हुआ है जो फाइनेंशियल मैनेजर ने कहता है कि अप्रैल में हमारा सेल्स मई में, में जून में जुलाई में और अगस्त में अदर डेटा डेटर क्रेडिटर बैलेंस बिगनिंग ऑफ द ईयर यानी ईयर के स्टार्टिंग में बिगनिंग ऑफ द ईयर मींस कहना चाहता है अप्रैल में और चौदह हजार रुपए द बैलेंस रेलिवेंट लाइबिलिटी हमारे पास कैश स्टार्टिंग में है स्टॉक स्टार्टिंग में है एक सेल्स एंड कमीशन स्टार्टिंग में है कहता है फोर्टी परसेंट सेल्स ऑन कैश बेसिस क्रेडिट सेल्स आर कलेक्टेड इन द फॉलोइंग मंथ एक चीज ध्यान रखिएगा आप जो फॉलोइंग मंथ होता है इसे बोलते हैं नेक्स्ट मंथ फॉलोइंग मंथ का मतलब होगा हमारा नेक्स्ट मंथ कॉस्ट ऑफ सेल्स सिक्सटी परसेंट सर इसको भी देखेंगे यानी जो हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स है सिक्सटी परसेंट होगा द ओनली अदर वेरिएबल कॉस्ट फाइव परसेंट कमीशन एजेंट यानी कमीशन की बात कर रहे हैं द सेल्स कमीशन पेड करेंगे आप मंथ आफ्टर एक महीने बाद इन्वेंट्री में कहता है कि हमें टू मंथ का बजटेड सेल्स रखना है फॉलोइ आफ्टर मंथ और क्रेडिटर को एक महीने बाद देंगे पर मंथ इंक्लूडिंग दो हजार डिप्रीशिएशन कोई कॉस्ट आया है हमारा यू आर रिक्वायड प्रिपेयर कैश बजट फॉर द मंथ अप्रैल मे और जून ग्यारह तो सर हमें तीन महीने का बनाना है लेकिन इस तीन महीने के अंदर काफी सारे आपने देखे होंगे कि इसमें वर्ड ऐसे लिखे हैं जो वर्ड समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहना चाहता है तो जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे तो समझ में नहीं आएगा वर्किंग नोट के लिए पीछे चलेंगे एक महीना दो महीना चलिए अप्रैल मई जून पर्टिकुलर opening bell. सबसे पहले हम सेल्स की बात कर लेते हैं वर्किंग नोट में पीछे करूँगा जिससे आपको समझ में आ जाए कहता है फोर्टी परसेंट सेल्स ऑन कैश बेसिस और बैलेंस कलेक्टेड फॉलोइंग मंथ तो पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं सर क्या लिख लेते हैं कैश सेल्स चलिए हर महीने का जिस महीने का सेल होगा उसका फोर्टी परसेंट तो उसी टाइम मिल जाएगा सर तो फोर्टी परसेंट मतलब आपका चालीस हजार का फोर्टी परसेंट सोलह हजार सर पैंतालीस हजार का फोर्टी परसेंट कैलकुलेटर निकाल लेते पैंतालीस हजार का फोर्टी परसेंट अठारह हज़ार इसका भी फोर्टी ले लिया कैश सेल्स के लिए और इसका भी क्या ले लेंगे फोर्टी परसेंट पचास पचपन हजार का फोर्टी परसेंट प्राइस पहले वाले में देखिए कोई दिक्कत सिंपल सा ना कैश बजट क्या रहता है रिसिप्ट पेमेंट जितना पैसा आया इधर लिखेंगे पेमेंट इतना आया बैलेंस हमें यहाँ दिखा देंगे मैंने कैश सेल्स कैश सेल्स के लिए बोलता है सर ये फोर्टी परसेंट रहेगा हमने यहाँ तक का एडजस्टमेंट पढ़ा है और यहाँ से यहाँ तक का किया है पहले बताइए सिंपली डाउट है कोई यहाँ तक नो no डाउट आगे कहता है बैलेंस कलेक्टिव फॉलोइंग यानी नेक्स्ट मंथ में तो कलेक्ट फ्रॉम डेटर फ्रॉम डेटर सर पिछले महीने का जो डेटर रहा होगा ये जो डेटर है हमारा बिगिनिंग में तीस उसका पेमेंट अब मिला होगा पिछले वाले का यहाँ तीस और यहाँ चालीस परसेंट यहाँ पे तो इसका साठ परसेंट यहाँ मिला होगा पैसा यानी चालीस हजार का सिक्सटी परसेंट यानी चौबीस और इसका सिक्सटी परसेंट यहाँ मिला होगा पैंतालीस हजार का सिक्स परसेंट यानी सत्ताईस ये देखिए लेटर मैंने लिख दिया है किसी को डाउट लेटर लिख दिया है किसी को डाउट बताइए ओपनिंग बैलेंस में कैश का भी ओपनिंग बैलेंस गिवन था सेवेंटी फाइव हंड्रेड लिख दे अब मजे की बात देखिए कहता है कॉस्ट ऑफ सेल्स सिक्सटी परसेंट ऑन सेल्स कहता है जो हमारा कॉस्टिंग आएगी ना सेल्स की सबसे पहले कॉस्ट ऑफ सेल्स होता क्या है कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या होता है बताइए कॉस्ट ऑफ़ सेल्स क्या होता है मुझे बताइए पहले सर कॉस्ट ऑफ सेल्स होता है परचेज क्या होता है सर कॉस्ट ऑफ सेल्स परचेज जितने का सामान खरीदा था उसको बेचने की बात कर रहे हैं तो सर कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है ना वो कहता है हमारा कितने परसेंट है सिक्सटी परसेंट यानी जिस महीने की जो सेल रहेगी उसका सिक्सटी परसेंट हमें खरीदना होगा ठीक है सर बिल्कुल ठीक एक तो ये एडजस्टमेंट और एक एडजस्टमेंट नंबर आप देखिए कौन सा सर ये इन्वेंट्री स्टॉक इक्वल टू रिक्वायर्ड नेक्स्ट टू मंथ सेल्स बजटेड सेल्स यानी सर क्वेश्चन क्या कहना चाहता है क्वेश्चन कहना चाहता है जैसे मान लीजिए आपका सेल्स है पचास हजार कहता है जी हमारा जो कॉस्ट आएगा वो साठ परसेंट आएगा दैट इज परचेज और साठ परसेंट परचेज कितना आ जाएगा तीस हजार साथ में कहता है हम अपने गोडाउन में स्टॉक भी रखने वाले हैं सर गोडाउन में स्टॉक भी रखेंगे और वो जो दो महीने का सेल होगा वही स्टॉक रखेंगे यानी नेक्स्ट टू मंथ का सेल्स अगर बोलू एक लाख और हमने दो लाख लिखा नेक्स्ट टू मंथ का सेल ये फर्स्ट मंथ का सेल है ये सेकंड मंथ का नेक्स्ट टू मंथ का सेल यानी एक लाख और दो लाख टोटल कितने हो गए सर तीन लाख तो आप तो स्टॉक रखोगे तो तो, तो कॉस्ट ही होगा ना तीन लाख का सिक्सटी परसेंट यानी एक लाख अस्सी हजार यानी सर हमें गुड्स को जो परचेज करना है ना वो करना है एक अस्सी प्लस थर्टी थाउजेंड लाख दस हजार पहले ये एग्जाम्पल देखिए तभी वो समझ में आ पाएगा आपको पहले आप ये एग्जाम्पल देखिए तब समझ में आ पाएगा जो तो बताया गया है मैंने क्या कहा कॉस्ट ऑफ सेल्स ये है और स्टॉक की आपको स्टॉक मेंटेन करना है दो महीने के सेल के बराबर तो दो महीने का सेल सर हमारा था तीन लाख इसका साठ परसेंट इसका मतलब हर घड़ी हर समय हमें दो लाख दस हजार का स्टॉक हमें रखना है तो दो लाख दस हजार का हमें परचेज करना होगा फर्स्ट मंथ के क्लियर है ये पॉइंट साक्षी एक अस्सी सॉरी सचिन एक अस्सी ये मैंने अपना एग्जाम्पल लिया है ये बुक का नहीं है ये अपना एग्जाम्पल लिया है हाँ इस वाले क्वेश्चन में क्योंकि और खर्चे नहीं आएंगे सिर्फ और सिर्फ परचेज को कंसीडर करा जाएगा सिर्फ और सिर्फ परचेज को कंसीडर करने वाले हैं मैंने तीन लाख क्यों सर तीन लाख का साठ परसेंट ही तो लिया है कॉस्ट दोबारा सुनिए मैं एडजस्टमेंट एक बार दिखाता हूँ यहां पे एडजस्टमेंट में क्या कहता है ध्यान से देखिए कहता है भाई कॉस्ट ऑफ सेल सिक्सटी परसेंट रहेगा अगर यहीं तक बात होती तो जितना सेल हो उसका उसका साठ परसेंट हम परचेज कर लेते हैं लेकिन आगे ये कहता है कि आपको सिर्फ सेल नहीं करना आपको इन्वेंट्री भी स्टॉक की इक्वल टू आपको रखना है अपने पास सेल्स रिक्वायर्ड नेक्स्ट टू मंथ जो अगले दो महीने में होगा बजटेड सेल्स का तो आप मुझे बताना आप आज सेल कर रहे हो जितना सेल करोगे उसका साठ परसेंट ये तो खरीद के लाओगे ही लाओगे और जो कल और परसों सेल करोगे वो भी आपको एनी टाइम स्टॉक मेंटेन करना है मान लेते हैं कल और परसों आपने एक एक क्लास से सेल करना है उसका भी साठ परसेंट तो आपको लाना पड़ेगा आज ही स्टॉक मेंटेन करने का मतलब पहले ही जो कल सेल होगा उसको खरीद के लिए हो नेक्स्ट बजटेड सेल की बात कर रहे तो सेम मैंने क्या बताया आपको कि आज जो मेरा सेल हुआ था वो हुआ था पचास तो इसका तो साठ मैं लेके ही आया तीस हजार और नेक्स्ट दो दिन में जो मेरा सेल होगा उसका भी साठ परसेंट तो इतना मैं जाऊंगा मार्केट तो टोटल दो लाख दस हजार का परचेज करके आऊंगा अभी क्वेश्चन देखते हैं दो तीन सेल निकाल लेना तीन के आपको क्लियर हो जाएगा तो चलिए इसको मिटा देते हैं यहां हम टेबल बना लेते हैं और टेबल क्या बनाएंगे? नॉर्मली लिख लेते हैं फेल एक अप्रैल का निकालना है मई का निकालना और सर जून मैं परचेज का डिटेल लिख रहा हूँ ये निकालने वाला हूँ मैं सर ये निकाल रहा हूं मैं कितना होगा तो सबसे पहले अप्रैल का हमें सेल पता करना हो 60 के परसेंट हमें अप्रैल का सेल्स पता करना होगा सिक्सटी परसेंट कॉस्ट के लिए तो सर अप्रैल मंथ का जो सेल है वो कितना है चालीस हजार चालीस हजार तो सेल्स अप्रैल का है मैं अप्रैल का बता रहा हूं सर एक तो इसका साठ परसेंट इंतजाम करो दैट इज चौबीस चौबीस और सर अप्रैल का सेल हो गया कहता है, इन्वेंट्री रखना है नेक्स्ट दो मंथ का तो नेक्स्ट दो मंथ का सेल क्या है पैंतालीस और पचपन नेक्स्ट दो मंथ का सेल पैंतालीस और पचपन तो सर नेक्स्ट दो मंथ एक महीने का मैं निकाल के दिखा रहा हूँ एक आपको निकाल सर अप्रैल के बाद मई का पैंतालीस हज़ार का सेल है और जून का पचपन हज़ार का सेल है यानी टोटल कितने हो गए सर बताओ एक लाख का सेल हो गया इसका साठ परसेंट हमें रखना है यानी ये तो मार्केट से जाके हमें जो खरीदारी करनी है वो खरीदारी करनी है हमें चौबीस एटी फोर थाउजेंड पहले आप ये ध्यान से देखिए एटी फोर थाउजेंड का करेंगे पहले यहां तक देखिए किसी को डाउट मार्केट से जो खरीदारी करनी है वो चौरासी हजार एटी फोर थाउजेंड का सेल हमें करना है सॉरी परचेज करना है बताइए पहले आप इस वाले को देखिए मैं क्वेश्चन भी दिखा देता हूं सिंपल सी बात है देखिए आप पहले ये समझ में आया सर इसका सिक्सटी परसेंट लिया है हमने ये लिया है इसका सिक्सटी परसेंट मैं इसको थोड़ा पीछे नेक्स्ट टू मंथ का सेल था और इसका साठ परसेंट क्योंकि स्टॉक तो आप सेलिंग वैल्यू पे थोड़ी खरीद के लाओगे कॉस्ट प्राइस पे खरीद के लाओगे चलिए अब आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में कहता है सर हमारा ओपनिंग स्टॉक भी है ओपनिंग इन्वेंट्री भी है हमारे पास तो इसका मतलब इसका मतलब हमने चौरासी हजार का इंतजाम करना एनी टाइम अपने दुकान में रखना है लेस कर देंगे जिसमें से हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है ओपनिंग बैलेंस कितने का है सर ओपनिंग बैलेंस सर ओपनिंग बैलेंस जो है हमारे पास वो है फिफ्टी वन का फिफ्टी तो वन इसका मतलब नेट में परचेज चौरासी माइनस फिफ्टी वन तैतीस हजार रुपए का हमें अप्रैल में खरीदारी करनी चाहिए और इसकी पेमेंट की अगर हम बात करें तो पेमेंट क्या कहता है ट्रेड क्रेडिटर आर पेड इन द फॉलोइंग मंथ फॉलोइंग का मतलब क्या होता है नेक्स्ट यानी सर इसका पैसा हमें जो पेमेंट है ये वाला ये पेमेंट करना होगा हमें नेक्स्ट मंथ में यानी इसका पेमेंट करना होगा मे में तो अगर हम यहां पे देखें तो ओपनिंग क्रेडिटर का बैलेंस हमें गिवन था सर कितना गिवन था चौदह हजार तो हम क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे चौदह हजार तो अप्रैल में पिछले साल वाला और मई में, में करेंगे तैतीस हजार अब जून का निकालना है तो जून का निकाल लेते जून का निकालने के लिए हमें जून का सेल चाहिए जून का क्या चाहिए होगा हमें सेल चाहिए हो। तो चलिए सर जून का सेल क्या है पैंतालीस हजार तो जून के सेल के लिए हमें निकालना पड़ेगा मई का सेल पैंतालीस हजार पैंतालीस हजार का साठ परसेंट खरीदारी तो पैंतालीस हजार का साठ परसेंट सत्ताईस हजार ये नेक्स्ट दो मंथ का बजटेड सेल्स नेक्स्ट दो मंथ का बजटेड सेल तो so नेक्स्ट दो मंथ का बजटेड सेल हो जाएगा हमारा नेक्स्ट दो हम मई में, में है नेक्स्ट दो मंथ ये दोनों आ जाएगा सॉरी नेक्स्ट दो मंथ में यानी पचपन और साठ तो पचपन हजार प्लस साठ हजार एक पंद्रह थ्री परसेंट तो नेक्स्ट टू मंथ एक तो है पचपन हज़ार यानी जून और साठ हज़ार डेट इज एक लाख पंद्रह हज़ार इसका सिक्सटी परसेंट जो कि आ रहा है सिक्सटी नाइन थाउजेंड टोटल हमें ज़रूरत है सत्ताईस हजार प्लस सिक्सटी नाइन थाउजेंड नाइन्टी सिक्स थाउजेंड पहले यहाँ तक देखिए आप हाँ स्नेहा ने निकाल भी दिया रविराज ने निकाल दिया शायद रविराज न्यू स्टूडेंट है सत्ताईस हजार की क्यों जरूरत होगी वो तो ऑलरेडी हमारा है ओके पहले आप मुझे ना बस इसी में है जो कॉम्प्लिकेटेड उसके बाद कोई भी क्वेश्चन में नहीं है कुछ भी पॉइंट आप पहले फर्स्ट मंथ का देखिए क्लियर है तो मैं सेकंड मंथ पे आऊंगा यस पहले आप फर्स्ट मंथ का बताइए क्लियर है फर्स्ट मंथ का बताइए क्लियर है आपको पहले महीने का अगर हर बच्चे को क्लियर है तो मैं दूसरे पे आ पाऊंगा अगर पहले महीने का ही क्लियर नहीं होगा तो दूसरे पे आना पॉसिबल नहीं है पहले फर्स्ट मंथ का देखिए क्वेश्चंस क्योंकि पीछे है ताकि मैं क्वेश्चन पढ़ पाऊं सर सेम चौबीस हजार प्रॉब्लम आप इस चौबीस हजार की बात कर रहे हैं ये हमें दो चीजें देखिए क्वेश्चन पढ़िए हमारे क्वेश्चन में दो पॉइंट है पॉइंट देखिएगा पहला पॉइंट कहता है सर आप जो सेल्स करोगे ना जो परचेज करोगे या कहता है सर जो आप परचेज करना है ना हमेशा कॉस्ट जो है आपका वो है साठ परसेंट करंट मंथ का सेल का उसके बाद कहता है भैया आप स्टॉक भी रखो नेक्स्ट टू मंथ के सेल का तो नेक्स्ट टू मंथ का जो भी सेल आएगा मंथ वन मंथ टू इसका भी साठ परसेंट रखो आप ये हमें टोटल जरूरत पड़ेगी परचेज करने की और अगर कोई ओपनिंग बैलेंस आपका स्टॉक का है तो माइनस कर दीजिए बैलेंस आप खरीद लीजिए जाके और जो भी हमारा ये वाला स्टॉक है सिक्सटी परसेंट यानी जो आपका ये है दैट इज क्लोजिंग स्टॉक ये तो आपको हमेशा स्टॉक के अंदर रखना है दो महीने का सेल ये कहां रहेगा स्टॉक में रहेगा तो दैट इज क्लोजिंग स्टॉक जो कि अगली बार फिर ओपनिंग बनेगा तो फिर से लेस कर देंगे ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक सिक्सटी थाउजेंड तो हमें अब छत्तीस हजार रुपए का खरीदारी करना होगा खरीदारी करेंगे जिसका पेमेंट हमें लेके जाना होगा नेक्स्ट मंथ में तो सर नेक्स्ट मंथ का पेमेंट का मतलब कब करना है आप देखिए नेक्स्ट मंथ का पेमेंट का मतलब आपने करना है इसका पेमेंट जून में नेक्स्ट मंथ का मतलब है आपने पेमेंट कब करना है जून में यानी अप्रैल वाली पेमेंट जाएगी मई में, में। और मे वाली पेमेंट जाएगी जून में अप्रैल में जो ओपनिंग बैलेंस है तो सर वेरी सिंपल यहाँ पे क्रेडिटर कर दिया तो यहाँ पे पेमेंट जाएगी हमारी छत्तीस हज़ार रुपये आगे का हमें कैलकुलेशन नहीं करना फिर भी आपके सिर्फ आपके सीख के लिए आपको समझ में आ जाए मैं आगे का कैलकुलेशन आपको करके दिखा देता हूँ सर अगले महीने का भी कैलकुलेशन जिसका कि पेमेंट जून के बाद जुलाई में होना है जो हमारे सवाल से रिलेटेड ही नहीं है लेकिन फिर भी मैं सिर्फ आपके लिए कर दूं ताकि आपको समझ में आ जाए सर हमें यहाँ फिर से आगे सेल्स का पता करना है सर कौन से महीने का सेल्स का सर जून के महीने का सेल्स का सर जून के महीने का सेल्स जो है ना मेरे सामने बुक में किताब में क्वेश्चन है तो सिंपली जून के महीने का सेल्स है सर पचपन हजार और फिर नेक्स्ट टू मंथ का सेल सर नेक्स्ट टू मंथ का सेल है हमारे पास जून के महीने का पचपन हजार और साठ और पचपन साठ और पचपन डेट इज एक पंद्रह वहाँ पचपन साठ था यहाँ साठ और पचपन आ गया जून में जुलाई और अगस्त नहीं साठ और पचास है सॉरी साठ और पचास है ट इज वन टेन वन टेन इसका साठ परसेंट कितना इसका इसका कितने परसेंट सर साठ परस इसका कितने परसेंट सर साठ परस तो आप हिसाब किताब लगाइए सेल्स का साठ परसेंट की अगर हम बात करें तो कितना आता है सर पचपन हजार का साठ परसेंट आएगा तैतीस हजार और इसका साठ परसेंट आएगा सिक्सटी सिक्स थाउजेंड टोटल कितना आ गया नाइन्टी 9,000 थाउजेंड लेस कर दो ओपनिंग जो पिछली बार था ये था हमारा क्लोजिंग स्टॉक यानी सिक्सटी नाइन थाउजेंड रुपीज लेस कर तो हमारा जो रिक्वायर्ड अमाउंट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा सर लेस कर दें अगर हम तो सिक्सटी नाइन माइनस करो क्या आता है तीस तीस हजार का हमें करना होगा और ये तीस हज़ार हमें जो पेमेंट करना होगा वो पेमेंट करना होगा हमें जाके समझ में आई बात आपको तो सर यहाँ ये वाला ना डेटा ज़रूरत नहीं था सिर्फ समझाने के पर्पज़ से क्या चेंज चलना चाहिए इसलिए था हमने ऑल दो परचेज़ का कर लिया और सर नीचे कहता है नेक्स्ट मंथ में पेमेंट होगा तो नेक्स्ट मंथ का पेमेंट कर चलिए सर कहता है क्रूड कमीशन जो है कमीशन वाली बात कर लेते हैं कहता है कमीशन फाइव परसेंट सेल एजेंट को देंगे जिस महीने का सेल होगा उस एजेंट को हम कितना दे देंगे सर उस एजेंट को दे देंगे हम पांच प्रतिशत तो पांच प्रतिशत की अगर बात करी जाए उस एजेंट की तो पांच प्रतिशत किसका सेल का सर अप्रैल के महीने में सेल चालीस हजार चालीस हजार का पांच परसेंट हमारा होता है दो हजार लेकिन जो पेमेंट करेंगे वो पेमेंट कब करेंगे कमीशन पेड नेक्स्ट अर्न जिस महीने कमाएगा उस महीने नहीं तो सर पुराने महीने में कमाया होगा पैंतीस सौ इसका पेमेंट हो जाएगा हमारा अप्रैल में पैंतीस सौ और अप्रैल वाले का दो हजार 40 चालीस का 5 परसेंट मई में और मई वाले सेल का जो कि है सर पैंतालीस हजार का 5 परसेंट बाईस सौ पचास ये देखिए हमने ये एडजस्टमेंट डन कर लिया ये एडजस्टमेंट कर लिया सारा देख लो कैश भी ले लिया स्टॉक भी ले लिया ये भी ले लिया ये भी हो गया डन ये भी डन ये भी डन हो गया इन्वेंट्री भी ट्रेड लास्ट में रह गया फिक्स कॉस्ट पचास हजार पर मंथ हर महीने का फिक्स कॉस्ट आएगा फिक्स एक्सपेंस पेमेंट करना है जिसके अंदर डप्रीसीशिएशन दो हजार है सर पाँच हजार पचास हजार गलत बोल दिया पाँच हजार में डप्रीसिएशन में क्या पैसे देते हैं हम अगर डप्रीसीशिएशन की बात करें तो क्या कैश देंगे हम तो डप्रीसीशिएशन में कैश नहीं दिया जाएगा सर डप्रिशिएशन में अगर कैश नहीं दिया जाता तो दो हज़ार माइनस कर दीजिए डप्रीसीशिएशन यानी कॉस्ट में आप तीन हज़ार रुपये और तीन हज़ार रुपये और तीन हज़ार का पेमेंट करेंगे सर कैसे पाँच हज़ार इसमें से डप्रीसी तीन हजार दो हज़ार रुपये हटा दें आप क्योंकि इसमें पैसा तो जाता ही नहीं हम तो हम प्रोजेक्टेड बना रहे हैंट सेट हमारा काम डन यहाँ पे कर लेंगे टोटल और यहाँ पे अगेन कर लेंगे टोटल अब सभी का बस टोटल करना है टोटल कर लेते हैं सेवेंटी फाइव हंड्रेड सोलह हज़ार हज़ार तिरपन पाँच सौ कलर चेंज कर लेते हैं और ये आ जाएगा चौदह हज़ार पैंतीस सौ बीस पाँच सौ अब हमारा बचेगा कैश बैलेंस कैश बैलेंस माइनस में पाँच सौ आ गया तैंतीस हज़ार और ये तैंतीस हज़ार बनेगा ओपनिंग ठीक है ओपनिंग तैतीस अठारह और चौबीस क्या आ गया सेवेंटी फाइव और नीचे तैंतीस हज़ार दो तो हज़ार क्या आ गया थर्टी एट थर्टी एट माइनस पचहत्तर हज़ार आ गया थर्टी सेवन दैट इज़ ये बनेगा ओपनिंग थर्टी सेवन थर्टी सेवन बन जाएगा ओपनिंग थर्टी सेवन प्लस बाईस हज़ार प्लस सत्ताईस हज़ार ये एटी सिक्स अब एटी सिक्स में से माइनस थर्टी सिक्स बाईस सौ पचास हजार और माइनस एटी सिक्स तो ओहो ये वैसे चौवालिस सात सौ पचास आ रहा है स हजार बाईस सौ चालीस दो सौ पचास सर ये बन गया हमारा कैश बजट तीन चार पैटर्न पे क्वेश्चन है एक लास्ट में किया था एक अभी कर लिया और तीन चार पैटर्न के बाद ये सवाल खत्म हो जाता है यानी अगली क्लास के अंदर ये सवाल खत्म हो जाएगा आपका देख लीजिए आप विदाउट डाउट